क्या आपको पता है एक ऐसा भी देश है जहां समोसा बैन है? और क्या आप ये जानते हैं कि सिंगापुर में च्युइंगम खाने पर आपको 70 लाख रुपए का फाइन देना पड़ सकता है? ऐसी कई सारी चीजें जो इंडिया में लीगल है वो फॉरेन में बैन है। तो ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। जो समोसा हम इंडिया में खाते हैं वो सोमानिया देश में बैन है, क्योंकि वो समोसे को शैतान की निशानी मानते हैं। इसके पीछे काफी सारी पॉलिटिक्स और रिलीजन इन्वॉल्व है, इसीलिए वहाँ समोसा और भी कई सारी ट्रायंगल शेप की चीजें खाना मना है और बैन है। इंडिया में आम मिलने वाला किंडर जॉय अमेरिका में बैन है, पर ये सबसे ज्यादा मशहूर भी अमेरिका में ही हुआ था। तो अब आप सोच रहे होंगे फिर ये बैन क्यों हुआ? क्योंकि किसी पेरेंट ने कंप्लेंट की थी कि अगर बच्चों ने किंडर जॉय के साथ आने वाला टॉय खा लिया और उनके गले में वो फंस गया तो बच्चों की इससे मौत भी हो सकती है, जिस वजह से अमेरिका ने किंडर जॉय बैन कर दिया। और क्या आप जानते हैं सिंगापुर में च्युइंगम चबाते हुए पकड़े गए तो आपको 74 लाख देने पड़ेंगे एज फाइन। जिस च्युइंगम को हम इंडिया में मजे से चबाते हैं वही च्युइंगम सिंगापुर में बैन है, और इसका कारण ये है कि क्योंकि लोग च्युइंगम खाकर उसे ऐसे ही सड़क पर फेंक देते हैं और फिर वो हर जगह चिपकती है, जिसे साफ करने के लिए गवर्नमेंट का काफी खर्चा हो जाता है, इसीलिए वहाँ च्युइंगम गवर्नमेंट ने बैन ही कर दी। इंडिया में आप कैसा भी अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल रख सकते हो, लेकिन ऐसा ईरान में करने से आपको हो सकती है जेल। इंडिया में जो हेयर स्टाइल आम है वो ईरान में बैन है। ईरान में कोई भी अपने बाल लंबे नहीं रख सकता, और भी ऐसे कई सारे हेयर स्टाइल्स हैं जो वहाँ बैन हैं। और अगर आप ऐसे हेयर स्टाइल्स के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है और हो सकती है जिंदगी भर के लिए जेल। तो आपको इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें।